हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नया डिजाइन कैसे बनाएं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने एक गोल्डन कलर की लेस ली है, देख सकते हैं, और ये मैंने नेट ली है सेम कलर की, और ये हमने ब्लाउज कट कर लिया है। मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने वो 15 इंच ली है, तैयार में ये 13.5 इंच आएगी। देखिए, हम ये 36 साइज का आ रहे हैं, तो डबल फोल्ड में मैंने 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर 6.5 इंच लिए, मोटे भी में 6.5 इंच लिए, और इसमें मैंने 1.5 इंच की गुलाई ली है। देखिए, शोल्डर से 3 इंच में निशान लगा लेते हैं, और इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे, और इसमें हम 1 इंच की गुलाई देंगे इस तरह, और यहां से हम 1.5 इंच का गैप देंगे इसमें। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 7.5 इंच लेंगे, और इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 3 इंच लेंगे। देखिए, इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर ली दोनों, और देखिए इसमें हम ऊपर से इस तरह इस तरह शेप दी थी इसकी। सेम डॉबिस हम कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए, अब सेम राफक के नेक पट्टी और कैनवास कट करेंगे दोनों के हम। देखिए, मैंने कैनवास और नेक पट्टी कट कर लिए। कैनवास की चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और नेक पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। देखिए, मैंने नेट लिया, नेट हमने डबल फोल्ड कर लिया, और इसके ऊपर हमने जो हमारा ड्राफ्ट निकला था इस तरह रखेंगे हम, और नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह हम रखेंगे उसके नीचे। देखिए, अब हम एक हुक कट करेंगे, तो देखिए इसकी चौड़ाई लेंगे हम 5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह, और सेम इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह, नीचे मैंने पट्टी रखी है, उसके ऊपर कैनवास रखी है, और इसमें जो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड कर देंगे पूरे में। देखिए, इस तरह मैंने पूरी पट्टी तैयार कर ली है। इसी तरह मैंने ऊपर की भी नेक पट्टी तैयार कर ली है। देखिए, नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, और इसके ऊपर जो मैंने पट्टी तैयार की थी इस तरह रखेंगे, और पूरे में सिलाई लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने पूरे में सिलाई लगा दी। अब बीच जो हम कट दे देते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कट कर दिया है, और इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे इसे, और पूरे में सिलाई लगा देते। देखिए, इस तरह मैंने सिलाई लगा दी। अब ऊपर की नेक पट्टी लगाएंगे हम। ये मैंने ऊपर की नेक पट्टी लगा दी ऊपर भी। अब नीचे फिनिशिंग देंगे। देखिए, नीचे हमें फिनिशिंग दे दी है, और इसमें हम नेट लगाएंगे। देखिए, इस तरह हम नीचे में नेट सेट कर लेते हैं पिन से। देखिए, इस तरह अब पूरे पिन लगा देंगे हम। देखिए, इस तरह मैंने पूरा पिन सेट कर लिया है, और इसमें हम ये गोल्डन कलर की लेस लगाएंगे।
देखिए इस तरह मैंने पूरे में लेस लगा दी है, और देखिए जो मैं छोटा वाला कट किया था इसे हम इस तरह बिल्कुल बीचों बीच में रखेंगे और पूरा पेंसिल सेट कर लेंगे। और देखिए इस तरह मैंने पेंसिल सेट कर लिया है और बीच में इस तरह लेस लगाएंगे इस पर। देखिए इस तरह मैंने बीच में लेस लगा दी है, तो देख सकते हैं हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी और प्लेट पर डाल दी हमने 4 इंच लंबी प्लेट, और देखिए हम पूरे में लेस लगाती है, बीच में भी लेस लगाती है। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।